हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, चीन में संक्रमण की दूसरी लहर आती दिख रही है। कोरोना को लेकर बड़ी खबर जानकारी के तौर पर आपको बता रहे हैं, राजधानी बीजिंग में जहां कोरोना संक्रमण नहीं पहुंच सका था, वहां अब नई तरीके से वायरस पहुंच रहा है। चीनी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, रोष है, क्योंकि सरकार संक्रमण को रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। इसलिए चीन ने भारत के साथ बड़ी गद्दारी की है, इसलिए गद्दारी की है, बात समझिए, ताकि चीन के लोगों का असंतोष कम कर सके। दुनिया के दो देश अमेरिका और चीन, एक पहले से सुपर पावर है, दूसरा सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों देशों के बीच एक जंग चल रही है, जंग इस बात का फैसला करने के लिए कि कौन नायक है और कौन खलनायक। जंग का आगाज किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, चीन को कोरोना का खलनायक साबित करने की ठान ली। World needs answers from China on the virus. We must have transparency. Why is it that China shut off infected people from Wuhan to all other parts of China? It went nowhere else. It didn't go to Beijing. It went nowhere else. But they allowed them to freely travel throughout the world, including Europe and the United States. जंग तेज हुई तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंड रोकने की सजा सुनाई। वायरस की जानकारी दुनिया से छिपाने में चीन की मदद का आरोप लगाया। Terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. नायक बनाम खलनायक इस लड़ाई में अमेरिका एक कदम और आगे बढ़ा और बड़े देशों के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने 7 देशों के साथ वर्चुअल बैठक की। कोरोना वायरस को चाइना वायरस बनाना चाहा पर नहीं कर पाए। अमेरिका हारा नहीं, उसने बार बार चीन को कोरोना का खलनायक बनाने के प्रयास जारी रखे। इस बीच संयोग कहें या प्रयोग, WHO के एक दावे से चीन को दाग धोने का मौका मिल गया। दावा ये कि मछली में भी वायरस है। WHO ने ये दावा किया चीन की राजधानी बीजिंग में संक्रमण के 42 नए मामले सामने आने के बाद। और नायक बनाम खलनायक की लड़ाई चमगादड़ से पहुंच गई मछली तक। कोरोना वायरस से संक्रमण पर WHO ने पहले दावा किया था कि वायरस चमगादड़ से आया, जिसका मीट चीन में कोरोना के जन्म स्थान वुहान के वेट बाजार में मिलता है। बीजिंग के नए मामले एशिया के सबसे बड़े फूड मार्केट शिफंदी थोक बाजार से आए। खबर आई कि संक्रमितों ने इसी बाजार से सालमन मछली खरीदी थी। मौका मिला तो चीन के खानपान को कोरोना वायरस का जिम्मेदार बताने वाले अमेरिका और यूरोप को चीन ने मछली वायरस का जिम्मेदार बता दिया। 我们这里讲欧洲流行的主要毒株呢，并不一定代表呢是来自欧洲的国家，像美国流行的呢也是主要以欧洲毒株为主，包括俄罗斯，所以这些呢国家呢都有可能。अब क्योंकि मछली से संक्रमण की थ्योरी पर WHO भी दुविधा में है, इसलिए चीन मछली से नए वायरस के जन्म का गाना गाकर तो खलनायक का कलंक नहीं मिटा सकता। दूसरी तरफ बीजिंग में नए वायरस की एंट्री से चीन के लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष फैल रहा है, इसलिए कोरोना की वजह से घर में फैली अशांति को दूर करने के लिए चीन सीमा का सहारा ले रहा है।